आपकी व्यवस्था हर जगह होगी। और ये सिद्धांत हमारे नामधारकों ने हर जगह आजमा कर देखा है। जहां जाएंगे वहां व्यवस्था, क्यों? तो सर्वेश्वर का स्मरण, प्रार्थना यानी क्या, सर्वेश्वर का स्मरण करने से जुड़ने के बटन्स हमने खोल दिए हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तब हम सर्वेश्वर का स्मरण करते हैं, इसलिए सबके बटन्स खुले होते हैं और हमारे विचार सभी तक पहुंच सकते हैं, और उनके पहुंचने से सभी लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हमारे नामधारक कहते हैं, हम कहीं पर भी जाएं, हमारी व्यवस्था अपने आप हो जाती है, अपने आप। मैं आपको एक ट्रस्टी का उदाहरण देता हूं। हमारे एक ट्रस्टी फ्रांस गए थे, फ्रांस नहीं, जर्मनी में गए थे, और जर्मनी में जब वो थे तब होटल में उन्होंने टैक्सी मंगाई, लेकिन नीचे उतरने तक वहां का मौसम इतना बदल गया और बड़े तूफान जैसा वातावरण हो गया और टैक्सी अब तक आई नहीं थी। कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि तूफानी वातावरण बन चुका था। उनका एयरपोर्ट तक पहुंचना जरूरी था क्योंकि एयरपोर्ट तक अगर वो नहीं पहुंचते तो अगली मीटिंग का प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि प्लेन से दूसरी जगह पहुंचकर वहां उनकी मीटिंग थी। अब क्या करें, नीचे तो उतर चुके थे, तो वो फुटपाथ पर, बगल में जो फुटपाथ थी, खड़े होकर प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना करते करते एक गाड़ी आई, उस तूफान में भी एक गाड़ी आई, और गाड़ी रोककर उसने उनसे पूछा कि आप यहां अकेले क्यों खड़े हो। तब उन्होंने कहा कि मुझे एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी नहीं मिल रही क्योंकि मौसम बहुत खराब हो चुका है, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। उसने कहा कि तुम बैठो। वो उस एयरपोर्ट नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसने उन्हें रास्ते में एयरपोर्ट तक छोड़ा। जरूर थोड़ा सा दूर होगा, लेकिन उसने छोड़ा और वो अपने काम को चला गया। अब कौन था वो जर्मन? अजनबी देश में कौन किसे पहचानता है? लेकिन अंतर्मन एक दूसरे को पहचानता है, याद रखना है। अंतर्मन एक दूसरे को बराबर पहचानते और प्रतिक्रिया देते हैं। प्रार्थना जब कोई करता है तब उसकी व्यवस्था कैसे होती है, इसका ये उत्तम उदाहरण है। यानी कौन सा देश, कौन सा आदमी, कौन सी भाषा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप एक बात याद रखें, मैंने पहले कहा था, प्रार्थना से सुरक्षा मिलती है। प्रार्थना में जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो सारे आपके काम आते हैं। उसमें सबके रक्षण की बात है, यानी आपका भी रक्षण होता है। इसलिए ये हमारे लिए दिया गया कवच है सदगुरु जी द्वारा। कर्ण के पास जैसे कवच कुंडल थे, हमें भी सदगुरु जी ने ये कवच कुंडल दिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें समझदारी से पेश नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको चाहे जितनी भी सुरक्षा मिली हो, फिर भी औरतों का रात को 1 बजे रास्ते से चलना अच्छा नहीं है। यानी समझदारी की कमी होना ठीक नहीं है, लेकिन साथ ही प्रार्थना आपको सर्वत्र आपकी सुरक्षा करेगी। हमेशा आपको सभी ओर से सपोर्ट मिलेगा और सभी ओर से आपकी व्यवस्था होगी, इसकी पूरी गारंटी है। हमारी पहचान में एक नामधारक लड़की है, वो अमेरिका में है, लेकिन वो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई थी। अब इंटरव्यू में जाने के बाद 50 लोग बैठे हुए होते हैं वहां, सभी जॉब पाने के लिए सभी उत्सुक होते हैं। हर कोई मन ही मन में कहता है कि भगवान मुझे जॉब चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, भगवान मुझे ऐसा चाहिए। उसने वहां बैठकर सिर्फ इतनी प्रार्थना की कि सबका भला होने दो, सबको जॉब मिलने दो। ऐसा नहीं कहा सबको मनचाहा जॉब मिलने दो। देखिए अब इसमें स्किल है, यही जॉब, ऐसा नहीं कहा। यही जॉब अगर कहा तो वो गलत होता, झूठा लगेगा, क्योंकि यही जॉब उसे भी चाहिए था। तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि सभी को उनका मनचाहा जॉब मिलने दो, और आखिर में उसे वो जॉब मिल गया। कहना क्या चाहता हूं कि हमारा ये जो विचार है ना, ये अंतर्मन, ये विलक्षण तरीके से पूरे विश्व के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ इंसान नहीं, अचर वस्तु से भी हमारा मन जुड़ा हुआ होता है, याद रखिए। इसलिए कहते हैं ना, आपके अच्छे विचार पेड़ तक भी पहुंचते हैं, यानी पेड़ भी सजीव होता है, ये प्रूव हुआ है। लेकिन आपकी व्यवस्था हर जगह हो सकती है, आप जिसका विचार करेंगे। आपने कल यदि बंगले का विचार किया तो बंगला आपके लिए हाजिर, याद रखिए। आपको कोई आपके लिए बंगला दिलाएगा। हाल ही में मुझे पूना की एक महिला बता रही थी, वो खुद एकदम सीधी सादी महिला थी, चाल में रहने वाली। उसके बेटी का डिवोर्स हो चुका था, देखिए ना कितनी कंडीशन कठिन है। बेटी का डिवोर्स हुआ है, उसके बाद जब वो जीवन विद्या मिशन में आई तब उसने तय किया कि मैं मेरे विचारों से और मेरे ख्यालों से मेरी बेटी को जॉब दिलाऊंगी, माफ करना, पति दिलवाऊंगी।
उसने जोरदार प्रार्थना शुरू की, 2000 प्रार्थना, बोलने लगी। और विजुलाइजेशन क्या किया कि मेरी बेटी को अच्छा गवर्नमेंट का आदमी, निर्व्यसनी, जिसका खुद का बंगला हो, ऐसा पति मेरी बेटी को मिले। अब आप बताइए, उसने कहीं भी बार्गेनिंग नहीं की कि पति अच्छा होना चाहिए, पैसा कम चलेगा, नहीं, बंगला चाहिए, छोटा ब्लॉक भी नहीं, बंगला, मोटर सब चाहिए, कार चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसे जिस लड़के का रिश्ता आया, वो लड़का गवर्नमेंट में बड़ा अफसर, उसका खुद का बंगला, निर्व्यसनी और खुद की कार। और डिवोर्सी लड़की से उसने रिश्ता जोड़ा और आखिर उसकी शादी हुई। यानी स्मरण करने से कि लोगों के बारे में आप जब अच्छा सोचते हैं, तब किसी भी मटेरियल थिंग पर भी आपने फोकस किया, तब भी वो मटेरियल थिंग आप तक पहुंचती, याद रखना। अब पहुंचाने वाले दूसरे होंगे, ये बात अलग है। कहना यह चाहता हूं कि मटेरियल चीज भी आप आकर्षित कर सकते हैं। जो इंसान पैसों के बारे में सोचता है, हमेशा पैसों का प्रतिशत, इतने प्रतिशत, या फिर शेयर मार्केट, उसके पास पैसा आने लगता है, क्योंकि वो सिर्फ पैसों का विचार करता है, लेकिन उसके पास सुख नहीं आता, क्योंकि सुख का विचार नहीं करता। ये बड़ा सवाल है। जो लोग सिर्फ पैसों का विचार करते हैं, उनके पास पैसे आते हैं, लेकिन सुख के मामले में फिर वो मार खा जाते हैं। इसलिए सद्गुरु जी ने क्या कहा है, सुख का विचार करें। सुख में सारी चीजें आती है, पैसा भी आया, फैमिली भी आई, सारी चीजों से आपको सुख मिलेगा। इसलिए सद्गुरु जी ने जो प्रार्थना दी है, तो इसी प्रिंसिपल पर सद्गुरु जी ने आपको ये प्रार्थना दी है, याद रखिए। इसलिए अगर टीम बिल्डिंग करनी हो, सभी ओर से आपकी व्यवस्था हो, ऐसा चाहते हो, सभी से आपको सपोर्ट मिला, तो फिर आपका उत्कर्ष कोई नहीं रोक सकता, याद रखना, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज हमारा जो विषय है, वर्क लाइफ बैलेंस में हमें कैसे आगे जाना है और खुद का उत्कर्ष कैसे हासिल करना है, कैसे करवाना है, ये मुझे युवाओं को बताना है कि आपके विचारों में अगर आपने परिवर्तन किया और आपने अगर अच्छी प्रार्थना की, तो आपका उत्कर्ष तीव्रता से हो सकता है।